पूरे ब्रिटेन में खालिस्तानियों पर बैन, मोदी सरकार के एक्शन ने छीना अंग्रेजों का चैन। खालिस्तानियों के खिलाफ ऋषि सुनक ने अचानक लिया बड़ा फैसला, तोड़ा खालिस्तानियों का हौसला। अमृतपाल के छाते वाले सीसीटीवी वीडियो पर बहुत बड़ा खुलासा, अजीत डोवाल के प्लान से अमृतपाल का बुरा हाल। सीसीटीवी फुटेज की असली सच्चाई अब जाकर सामने आई। जिस महिला के घर में रुका था अमृतपाल, उसका बयान सुनकर पंजाब पुलिस हैरान। 5 दिन बाद अमृतपाल के पिता ने अपनी बहू के बारे में मीडिया से किया हैरान कर देने वाला खुलासा। पिता तरसेम सिंह ने अपने फरार बेटे अमृतपाल से लगाई आखिरी गुहार। पिता की गुजारिश सुनकर सभी सदमे में। क्या इस बार सरेंडर कर देगा अमृतपाल? क्या खालिस्तानियों के खिलाफ चल सकता है बाबा योगी का बुलडोजर? तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने खालिस्तान के खिलाफ फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ें से पहले जानते हैं कि आखिर उस महिला ने अमृतपाल पर कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं जिसके घर में अमृतपाल ठहरा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है दोस्तों, जिससे कि हड़कंप मच गया है। ये फुटेज हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद का है। इसमें एक महिला के घर से अमृतपाल निकलते हुए दिख रहा है। इस महिला का नाम है बलजीत कौर, जिसने 19 मार्च की रात अमृतपाल और उसके साथ पापलप्रीत सिंह को अपने घर पर पनाह दी थी। ये महिला 32 साल की है और वो MBA कर रही है। उसका भाई SDM कार्यालय में रीडर का काम करता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला का पता सोशल मीडिया के जरिए पता चला, जो इंस्टाग्राम पर अमृतपाल को फॉलो कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अमृतपाल ने चेहरा छुपाने के लिए छाते का सहारा लिया है। हालांकि लुक से उसकी पहचान हो रही है। 34 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब पुलिस ने जारी किया है। इसमें एक शख्स छाता लिए जाते दिख रहा है, जबकि मौसम बिल्कुल साफ है। बताया जा रहा है कि ये शख्स ही अमृतपाल सिंह है। वो सफ़ेद शर्ट और डार्क ब्लू रंग की जीन्स पहने हैं। ये फुटेज 20 मार्च के दोपहर 12:18 का है। सीसीटीवी फुटेज में घटना का दिन और समय पुलिस ने साफ दिखा रखा है। सीसीटीवी में अमृतपाल से आगे उसका करीबी पपलप्रीत भी चेहरा छुपाकर जाता दिख रहा है। इस महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अमृतपाल अब उत्तराखंड के लिए निकलने वाला है। महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि अमृतपाल ने अपनी पगड़ी हटा दी है और अब वो खुले बालों में घूम रहा है। पूछताछ के दौरान बलजीत कौर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। महिला ने आगे बताया कि अमृतपाल ने बलजीत कौर और उसके भाई का फ़ोन इस्तेमाल किया, कुछ नंबरों पर फ़ोन कॉल किया और कॉल करने के बाद मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिया। अमृतपाल बलजीत कौर के घर में बैठा रहा, जबकि 20 मार्च को पप्पनप्रीत सिंह घर से बाहर निकला। उसने तमाम बस अड्डों की रेकी की और पता किया कि बस कहां से जाती। वो उत्तराखंड जाने वाली बस की तलाश कर रहा था। अमृतपाल ने घर से जाते वक्त जुपिटर स्कूटी और कुछ सामान बलजीत कौर के भाई को दे दिया। उसने पटियाला का एक मोबाइल नंबर दिया और कहा ये स्कूटी पटियाला में वापस करनी है। बलजीत कौर के भाई ने स्कूटी पटियाला में जाकर वापस कर दी। पंजाब पुलिस के IG हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि इस केस में अब तक 207 लोग पकड़े गए हैं। इनमें से 30 आरोपी हार्डकोर क्रिमिनल हैं। उन्हें देश के अलग अलग जेलों में भेजने की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों को नागालैंड और अंडमान जेल भी भेजा जा सकता है। पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल अब पंजाब से भाग गया है। पुलिस को उसके उत्तराखंड में होने का शक है। पंजाब से भागकर वो हरियाणा गया था। पुलिस को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी अमृतपाल के छिपे होने के इनपुट मिले हैं। पंजाब पुलिस की टीमें वहां रेड करने के लिए रवाना हो गई है। जिस दिन वो पंजाब से भागा, उस दिन जालंधर के 8 जिलों के 3200 पुलिसकर्मी और अधिकारी, 2 केंद्रीय बलों की कंपनियों के 1400 जवान भी तैनात थे। 50 नाकों पर चेकिंग की जा रही थी, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। वो एक के बाद एक कई गाड़ियां बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। इससे ये साफ हो जाता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं अमृतपाल को भगाने में मदद कर रही थी। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने अपने बेटे अमृतपाल को सरेंडर करने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह के फरार होने की जो कहानी बताई है
वो उसे मारने को तैयार नहीं है। मीडिया में बातचीत में अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा कि अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है अमृतपाल और इसी बात को उठाने के लिए हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अमृतपाल को लेकर जो कुछ कर रही है, उसके भागने को लेकर जो भी सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है, अब उसके पीछे पॉलिटिकल ड्रामा है। पता नहीं किस सोच के साथ ये कहानी बनाई गई है। अगर अमृतपाल सिंह फरार है तो मैं उसे बस ये कहूँगा कि वो सरेंडर कर दे। हालांकि हमें कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमारे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि वो जांच में शामिल हो और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये सब दोस्तों अमृतपाल के पिता का कहना है। इसी बीच दोस्तों अब ऋषि सुनक सरकार भी मोदी सरकार की फटकार के बाद एक्शन में आ गई है। ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। आप सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक के पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है और उनके अपोजिशन में लेबर पार्टी है, लेकिन ब्रिटेन के इन दोनों धुर विरोधी पार्टियों ने ब्रिटेन के अंदर खालिस्तानियों पर बैन लगाने की बातें शुरू कर दी है। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ब्लैकमैन ने जहां हिंसा में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के उपायों पर सदन में चर्चा करने की मांग की, वहीं विपक्षी दल लेबर पार्टी के सदस्य थॉमस ने कहा कि भारत के खिलाफ ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ब्रिटेन सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाकर आरोपियों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए ताकि भारतीय एम्बेसी हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। ब्रिटेन की संसद में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मुद्दा भी उठाया गया। ब्रिटिश सांसदों ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि हम भारत पर हुए हमले को लेकर काफी शर्मिंदा हैं और ऐसे हमले दोबारा कभी नहीं होने देंगे, इसकी शपथ लेते हैं। ब्रिटेन के सांसदों ने आगे कहा कि हम लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई तोड़फोड़ और हिंसक कारनामों की कड़ी निंदा करते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन और उसके कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह के काम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ब्लैकमैन ने कहा कि ये हमला इतने सालों में छठी बार है जब भारतीय उच्चायोग पर इस तरह से हमला किया गया हो। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानियों ने अब ये दिखा दिया है कि आखिर क्यों उन्हें पूरी दुनिया चूहा कहती है। जो भारत से प्रेम करने वाले सिख हैं, उनके पीठ पर वार करके खालिस्तान ने दिखा दिया है कि आखिर उसे दुनिया में क्यों कायरता का टैग मिला हुआ है। जब ब्रिटेन की पुलिस ने खालिस्तानियों को डंडे मारे हैं, तो इन लोगों ने मासूम भारतीयों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लंदन में दोस्तों एक रेस्टोरेंट पर नकाबपोश खालिस्तानियों ने सिखों पर हमला किया जो भारत से प्रेम करते हैं और खालिस्तान का विरोध करते हैं। वीडियो में नकाबपोश लोगों के एक समूह को रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर पीटते और लोगों से बाहर आने और उनका सामना करने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। रेस्टोरेंट के बाहर आकर एक नकाबपोश शख्स वीडियो बनाता हुआ देखा जा सकता है जो धमकी दे रहा है, लेकिन जो सच्चे सरदार हैं वो कभी इन नकाबपोश बदमाशों से डरने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों हमारी भी आप सबसे एक गुजारिश है कि सभी सिखों को एक समान ना देखें। जो सच्चे सिख हैं, जिन्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम है, उनके सहयोग समर्थन और सुख दुख में पूरे भारत को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जय हिंद।